बरगद के पेड़ वाला ब्रह्म राक्षस। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दुर्जन सिंह था। गांव के लोग उन्हें दुर्जन जी भी कहते थे। दुर्जन सिंह ने पास के खेत में अपना घर बनाने का सोचा। उस खेत में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया और वहां पर अपना घर बना लिया। अब उनकी पत्नी और वो एक साथ रहने लगी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दुर्जन सिंह का व्यवहार बदलने लगा। वह रोज पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, अब वो कभी कभी पूजा करते थे और कभी नहीं करते थे। जब उनकी पत्नी ने यह सब देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो उठी। उसने पूछा, क्या बात है, आप कभी पूजा करते हो कभी नहीं करते हो, आजकल आप बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है और आपका व्यवहार अचानक से बदल कैसे गया? तब दुर्जन सिंह के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराते हुए दुर्जन सिंह बोला, मेरे पेड़ को काटकर तुम यहाँ पर शांति से कैसे रह सकते हो? तभी उनकी पत्नी को शक हुआ और उसके अगले दिन दुर्जन सिंह की पत्नी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उसने अपने पति के सामने बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया और घर में पूजा और हवन भी कराया, लेकिन दुर्जन सिंह पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि क्या है, क्या हो गया है आपको? एक बार फिर से दुर्जन सिंह मुस्कुराए और उनकी आंखें लाल हो गई। तभी उन्हें अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि तुमने यहाँ पर घर बनाया है, तुम्हें जितने हवन और जितनी पूजा करनी है तुम करो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तुमने मेरा घर मुझसे छीना है और अपना घर यहाँ पे बनाया है, तुम लोग कैसे खुश रह सकते हो? तब दुर्जन सिंह की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने बोला कि आप कौन हो और मेरे पति को क्यों पकड़े हुए हो? तब दुर्जन सिंह के अंदर से उस आत्मा ने बोला, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं यहाँ पर अपने वृक्ष पे रहता था और तुमने मेरा बरगद का पेड़ काट दिया है। मैं बहुत सालों से इस पर रहता था, तुमने मुझसे मेरा घर छीना है और मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगा। तब उनकी पत्नी ने बोला कि हमें नहीं पता था, हम अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? उस आत्मा ने बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके बरगद के पेड़ लगाओ, तब मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। उस महिला ने अगले दिन से ही बरगद के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद उसके पति पूजा पाठ करने लग गए और पहले की तरह हो गए। वह अपने पति को पहले की तरह पाकर बहुत खुश हुई। तभी उस आत्मा ने बोला, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और बरगद का पेड़ मेरा घर है, मैं बहुत सालों से इस पेड़ पर रहता था, तुमने मुझसे मेरा घर छीना, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हुआ, तुमने दोबारा मुझे मेरा घर वापस लौटा दिया और अब मैं भी तुम्हें तुम्हारा घर वापस लौटाता हूँ। वैसे तो मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन तुम लोगों की अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पति को छोड़ता हूँ और आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर कोई इंसान बुरा है तो हमें उसकी बुराई को नज़रअंदाज करके अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुराई को अच्छाई ही जीत सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।